पुंछ जिले में नदी नालों में अवैध खनन का कारोबार जारी है। खनन माफिया जेसीबी की मदद से सरेआम नदियों में से रेत बजरी निकाल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। लोगों का कहना है कि कलाई ब्रिज के पास भी जेसीबी की मदद से नदी से बजरी निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले ये बताए कि कहां कहां खनन करने की परमिशन है और कहां कहां ये अवैध है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर भी जेसीबी की मदद से खनन करने की इजाज़त है उसका भी एक नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जेसीबी की खुदाई से बड़े बड़े और गहरे गड्ढे बन जाते हैं और इससे कई बार नदी में नहाते या फिर पार करने के प्रयास में लोगों की जान चली जाती है। जो पुंछ में इलीगल माइनिंग चल रही है उसके ऊपर आवाज़ उठाना और कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना कि जो इलीगल माइनिंग जेसीबीज द्वारा की जा रही है उसे रोका जाए, क्योंकि हमने पहले भी पास्ट में भी ये चीज़ देखी कि इन्हीं जेसीबीज के कारण कुछ हमारे बच्चों के जो नौजवान बच्चे थे उनकी मौत हो गई, जो दरिया में किसी कारणवश नहाने या किसी और सिलसिला में जाते रहे। आज कलाई ब्रिज के पास बड़ी तादाद में पिछले कुछ दिनों से जो है वो जेसीबी दिख रही हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से भी इस हवाले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जेसीबी जो है वो सरकार द्वारा अलाउ की गई हैं, बट जब उन्हें कहा गया कि कोई ब्लैक एंड वाइट पेपर है इसके ऊपर आपके पास, तो उन्होंने वो पेपर देने से मना कर दिया कि ऐसा कोई पेपर नहीं है मेरे पास। मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से यही गुजारिश करूँगा कि अगर जेसीबी कहीं अलाउड हैं माइनिंग के लिए तो उस पेपर को ऑन पब्लिक डोमेन में लाया जाए ताकि पब्लिक को भी ये चीज़ पता चले कि कहाँ पे जेसीबी द्वारा माइनिंग अलाउड है और कहाँ पे नहीं अलाउड है। उसी के साथ साथ कौन से जो ब्लॉक्स हैं वो लीगल ब्लॉक्स हैं और कौन से ब्लॉक्स जो हैं जिनका टेंडर होना भी बाकी है। जहाँ पे टेंडर होना बाकी है वहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से गुजारिश करूँगा कि माइनिंग किसी भी तरीके की जो हो रही है उसे बंद किया जाए, और उसी के साथ साथ जहाँ पे लीगल है वहाँ पे यही गुजारिश करूँगा कि जेसीबी अगर तो लीगल हैं जेसीबी यूज़ करना तो उसको उस पेपर को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, अगर जेसीबी अलो नहीं है तो इन जेसीबी को एज अर्ली एज पॉसिबल सीज किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी जम्मू। जेके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।